लीवान ने लोगों को बात करते सुना कि शायद प्रेसिडेंट नान और असिस्टेंट नाई शाओशाओ एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। उसे वो अच्छा नहीं लगा। तभी उसने शेंग को देखा। वो पहले उसे ब्रदर शेंग के बुलाने वाली थी, लेकिन वो रुक गई कि गुड मॉर्निंग मिस्टर यून, क्या आप भी मीटिंग में जा रहे हो? फिर वो कहते हैं कि बाय द वे, क्या आपको पता है कि प्रेसिडेंट नान और शाओशाओ के बारे में सब लोग गॉसिप कर रहे हैं? यून शेंग कहता है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लीवान कहती है सही कहा, शाओशाओ प्रेसिडेंट नान की असिस्टेंट है तो ये नॉर्मल बात है कि वो लोग हर रोज साथ रहते हैं। वो जरूर ही शाओशाओ की बहुत ही अच्छे से केयर करेंगे। ये कहकर उसने यिन शेंग को भड़का दिया। मीटिंग रूम में जिन फेंग की हालत बहुत ही खराब लग रही थी, वो खांस रहा था, तो शाओशाओ उसे पूछती है प्रेसिडेंट नान, क्या आप ठीक तो है? क्या आपको पानी पीना है? तभी यिन शेंग और लीवान वहाँ पे पहुंचे और उसने देखा कि शाओशाओ जिन फेंग के बारे में परवाह कर रही है। यिन शेंग का तो पता नहीं, लेकिन लीवान को ये जरा सा भी अच्छा नहीं लगा। फिर मीटिंग शुरू हुई, लेकिन उस दौरान भी जिन फेंग को कफ हो रहा था। शाओशाओ सोचती है लेंगती ने मुझे बताया था कि नान जिन फेंग के पास इमोर्टालिटी वाली पावर है, लेकिन यहाँ आते वक्त भी वो कितना ज्यादा खांस रहा था। अभी भी वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है। उसका डार्क सोल स्टोन जाने से उस पे बहुत ही ज्यादा असर हुआ है। यिन शेंग ने भी देखा कि शाओशाओ जिन फेंग के लिए वरीड हो रही है। वो अपने हाथ को क्लिंच करता है, मतलब कि उसे भी वो अच्छा नहीं लगा। अचानक से ही जिन फेंग का डीमन फॉर्म बाहर आने लगा। उसकी आंखें रेड हो गई। लैंगटिंग और शाओशाओ दोनों ही डर गई कि अभी वो अपने असली रूप में आने वाला है। लैंगटिंग तुरंत ही पूछता है फेंग क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो गई? जिन फेंग कुछ कहे उससे पहले ही शाओशाओ ने वहाँ पे जो गेमिंग कंसोल था वो तोड़ दिया, जिसे बनाने में आधा महीना लगा था। तो फिर सबका ध्यान उसकी ओर चला गया और उस दौरान जिन फेंग और लैंगटिंग वहाँ से चले गए। सभी लोग शाओशाओ पे गुस्सा करने लगे कि आई डोंट केयर कि प्रेसिडेंट नान तुम्हें क्या कहेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें रिजाइन करना ही होगा। तभी शेंग सबको चुप करा देता है और कहता है कि मैं इस बारे में प्रेसिडेंट नान से बात कर लूंगा, और उसने मीटिंग डिसमिस कर दी। फिर शाओशाओ जिन फेंग के पास गई कि उसकी सिचुएशन कैसी है। जिन फेंग एकदम ठीक था, वो अपने नॉर्मल रूप में आ गया था। वो कहता है चुटकी, मुझे बस ये रियलाइज हुआ कि तुम तो मेरी बहुत ही ज्यादा केयर करती हो, लेकिन तुम्हारी ये परवाह बहुत ही ज्यादा महंगी है। मतलब कि आधे महीने से जिस चीज पे काम चल रहा था उसे ही शाओशाओ ने तोड़ दिया। शाओशाओ कहती है मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि सबके सामने तुम्हारा असली रूप एक्सपोज हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सबका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उसे तोड़ दिया। मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। जिन फेंग कहता है अगर सबको पता चल जाता कि मैं एक डीमन हूँ तो फिर तुम भी मुझसे पीछा छुड़वा सकती थी, और यही तो तुम नहीं चाहती थी, तो फिर तुमने मुझे प्रोटेक्ट क्यों किया? वो शाओशाओ के करीब आ गया और स्माइल करके कहता है लगता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती हो, है ना? शाओशाओ सोचती है वो जरा सा रिकवर हुआ और फिर से मुझे तंग करने लगा। तभी यिन शेंग वहाँ पे आया और वो गुस्से से शाओशाओ की ओर देखता है। शाओशाओ भी समझ गई थी कि उसने वो गेमिंग कंसोल तोड़ दिया है, इसलिए वो यहाँ पे आए होंगे। यिन शेंग कहता है तुम्हारी असिस्टेंट आई शाओशाओ ने मीटिंग दौरान हमारा न्यू प्रोडक्ट तोड़ दिया और इस वजह से शेड्यूल के हिसाब से हम कॉन्फ्रेंस नहीं रख पाएंगे। जिन फेंग कहता है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दो। यिन शेंग कहता है हम कॉन्फ्रेंस तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन आई शाओशाओ को पनिश करना जरूरी है। जिन फेंग कंफ्यूज था कि आखिर तुम चाहते क्या हो। यिन शेंग कहता है मैं चाहता हूँ कि आज से वो मेरी असिस्टेंट बन जाए। शाओशाओ तो बहुत ही सरप्राइज थी कि ब्रदर शेंग ये चाहते है कि मैं उसकी असिस्टेंट बन जाऊँ। जिन फेंग हंसता है और वो शाओशाओ को बाहर भेज देता है। उसके जाने के बाद जिन फेंग कहता है शेंग मुझे नहीं लगता कि तुम शाओशाओ को पनिश कर रहे हो, तुम बस उसे मुझसे दूर ले जाना चाहते हो, है ना? मीटिंग में आने से पहले ही लीवान ने यिन शेंग के कानों को भर दिया था कि वो दोनों तो हमेशा ही साथ रहते हैं और जिन फेंग उसकी बहुत ही अच्छे से केयर करेगा, मतलब कि वो उसकी वो वाली केयर करेगा, आप समझ रहे हो ना? यिन शेंग कहता है हाँ तो क्या, क्या अब तुम मुझे उसे दे रहे हो या नहीं? मतलब कि हाँ मैं शाओशाओ को तुमसे दूर करना चाहता हूँ। जिन फेंग कहता है काम डाउन, तुम तो सीरियस हो गई, भला मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ? तो अब शाओशाओ यिन शेंग की असिस्टेंट बन गई है। शिया मैंग उसे कहती है कि शाओशाओ मैंने सुना कि तुम अब प्रेसिडेंट यून की असिस्टेंट बन गई हो, कांग्रेचुलेशन। वो एक सीरियस पर्सन है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, तुम उसके पास से काफी कुछ सीख पाऊंगी। फिर वो यिन शेंग की ऑफिस में गई, उसने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो देने और एक कॉफी, लेकिन उसने कॉफी वापस ले जाने को कहा कि मुझे मिस्टर नान की तरह कॉफी पीना अच्छा नहीं लगता। लेकिन शाओशाओ ने जब कॉफी कप वापस लिया तब थोड़ी कॉफी यिन शेंग के कपड़ों में भी लग गई।